दिल्ली के पांडव नगर थाना इलाके में रोडरेज के विवाद में हत्या का मामला सामने आया है। मयूर विहार फेज वन के पास कार टच होने पर विवाद हुआ, जिसमें कार में बैठे दो लोगों ने बाइक सवार लड़के को गोली मार दी। तो मयूर विहार में युवक की हत्या कर दी गई। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से, जहां पर रोडरेज में लड़के की मौत हुई है। पांडव नगर थाना इलाके में विवाद होता है रोडरेज के बाद और हत्या हो जाती है। मयूर विहार फेस वन के पास कार टच होने पर विवाद हुआ, जिसमें कार में बैठे दो लोगों ने बाइक सवार लड़के को गोली मार दी। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। दीपक, रोडरेज में लड़के की मौत हुई है, चौंकाने वाला ये मामला है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि दिल्ली वालों का गुस्सा यहाँ पर जाहिर होता है, क्योंकि हर बार रोडरेज के बाद कोई ना कोई बड़ी वारदात होती है। यहाँ पर भी बीती रात को पांडव नगर इलाका है, वहाँ पर मयूर विहार फेस वन एक ऐसा इलाका है जहाँ पर रात को योगेश नाम का शख्स जो अपनी बाइक लेकर वहाँ से निकला था, उसकी कार के साथ टच हो गई उसकी बाइक, जिसके बाद विवाद इतना बड़ा कि कार में बैठे एक शख्स ने अपना पिस्टल निकाला और उसके ऊपर कई राउंड फायर किए हैं। लेकिन अभी तक पुलिस का कहना है कि गन शॉट है, गोली लगी है उसे, लेकिन कितने राउंड गोली चली ये अभी तक हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद साबित होगा। लेकिन जो आरोपी थे वो वारदात को अंजाम देकर मौके से तुरंत ही फरार हो गए। पुलिस हालांकि आसपास का सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। देर रात को लगभग एक बजे के आसपास की एक घटना है, लेकिन एक बार फिर रोड रेज की इस घटना ने दिल्ली में एक बार फिर पुलिस को फिर चौंकाना किया है, क्योंकि वारदातें जो है अब लगातार इस तरह से बढ़ रही हैं। दिल्ली पुलिस को कुछ ना कुछ ऐसा उपाय करना होगा ताकि इस तरह की वारदातों में रोकथाम लग सके। बिल्कुल दीपक, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में आतंकी सुरक्षा बल से बचने के लिए घर में आग लगाकर भागने की रणनीति पर काम कर रही है। श्रीनगर के मुजगुंड में हुए एनकाउंटर के समय भी आतंकवादियों ने अपने ठिकाने में आग लगाकर भागने की कोशिश की थी। इसके अलावा सुरक्षा घेरा तोड़ने के लिए आतंकियों की विस्फोट की भी तैयारी थी, लेकिन सुरक्षा बल ने आतंकियों की कोशिश को नाकाम कर दिया। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने 3 आतंकियों को मार गिराया था।